हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर में स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों से खिलाड़ी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा हिम गुरुकुल स्कूल के प्रबंधक राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। राजेश ठाकुर ने बताया कि हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर में स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी जमकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरफ से आज यह टूर्नामेंट पूरे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका हिम गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पिछले कल 26 तारीख से ये शुरू हुआ, 26, 27, 28 तीन दिन तक ये चलेगा। इसमें सभी जिलों के खिलाड़ी आए हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से विद्यालय प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग देने के लिए इनको आश्वस्त करता हूं। वहीं मुख्य अतिथि एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हिम गुरुकुल स्कूल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजन किया है, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि कबड्डी संघ रजिस्टर्ड संघ है और कई सालों से प्रतियोगिताएं करवा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। कबड्डी संघ की तरफ से हमारे हिमाचल कबड्डी संघ एक कई वर्षों से रजिस्टर्ड संघ है और लगातार से इसमें प्रधान उपप्रधान चेंज होते हुए और अभी हमारे हिमाचल कबड्डी संघ पिछले महीने हमारे राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग का जो सीनियर चैंपियनशिप थी वहां पर कराई, वहां पर 26 टीमें ने भाग लिया और यहां पर जूनियर जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हमीरपुर कबड्डी संघ के लिए मिली थी वो यहां पर हिम गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये उन्होंने इसको कराने का जिम्मेदारी ली थी। मैं स्थानीय प्रिंसिपल का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में ये सुविधा यहां पर रहने की खाने की यहां कबड्डी संघ हमीरपुर का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत जल्द ये यहां आयोजन हुआ है और अभी यहां पर 70 टीमें पहुंच चुकी है गर्ल्स की।